आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 मंजरी से पाठ 18 बहादुर बेटा। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक बहादुर बालक की बहादुरी का वर्णन किया है और इस पाठ के लिए हम आज पढ़ेंगे। तो कक्षा 6 से मंजरी से ये पाठ है, ध्यानपूर्वक पाठ के लिए सुनेंगे। इसमें पात्र देखते हैं, पात्र माँ संदीप जो है बड़ा बेटा है, कुलदीप छोटा बेटा है और मधुर है बेटी। एक युवक है संदीप का मित्र, ठीक है ये पात्र हैं। एक युवक डॉक्टर और एक युवती दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा, मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो मधुर कहती, यही तो मैं भी देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था, आज दोनों ना जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है और कुलदीप, माँ माँ तुमने सुना, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी भी बह गए हैं, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, चारों ओर तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को कि उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए, तेजी से बोलता चला जाता है। मधुर कहती है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। फिर कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है, इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया है, इसलिए ये हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे, जो युवक है और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों के बचाने का काम करें और जो धनी हैं वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, कपड़े हैं तो कपड़े दें। माँ कहती है, हाँ हाँ ये तो होना चाहिए, मेरे पास तो पैसे तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है भाई अवश्य करूँगी, कहाँ भेजना होगा पैसा? तो कुलदीप कहता है, भाई तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो मधुर कहती है, माँ एक साथ तू कहाँ जा रहा है? माँ और मधुर दोनों पूछते हैं एक साथ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कुलदीप कहता है, लोगों को बचाने। आगे पढ़ते हैं तो माँ हंसकर कहती है, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा, खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ संदीप अभी क्यों नहीं आया भाई, कहीं भय भी? तो मधुर कहती है, हाँ माँ भय जरूर चले गए होंगे, भय दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सहसा एक युवक का प्रवेश होता है तो युवक, संदीप घर का घर यही है, युवक है वो कहता है संदीप का घर यही है। तो सब उसके मधुर, उसका भाई और उसकी माँ एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ यही है, क्या बात है? तो युवक कहता है, मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। तो माँ घबरा कर, अरे क्या? तो मधुर कहती है, तो भैया चले ही गए। तो माँ कहती है, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, कब दूर होगी ये परेशानियाँ, कितना बलिदान चाहता है तू, हे भगवान तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे पर। तो फिर मधुर कहती है, माँ को झकझोर कर, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो, क्या सोचने लगी, हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें और हाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। तो कुलदीप कहता है, खाना कपड़ा मकान सभी चीज़ों की जरूरत होगी, मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए गए हैं, माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियरों की जरूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। आगे पढ़ते हैं, माँ क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। तो कुलदीप कहता है, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है, हंसकर अच्छा मैं चला, कुलदीप चला जाता है।
तेजी से चला जाता है, बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है तो मधुर देखती है। मधुर कहती है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और भय देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। तो माँ कहती है, क्या अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करें। तो मधुर कहती है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो माँ कहती है, हाँ करते तो हैं। तो सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर सुर उठता है। वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। तो युवती कहती है, क्या संदीप जी का मकान यही है? तो मधुर कहती, जी। माँ जो है आगे खोलकर देखती है, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है भाई? तो युवती कहती है, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता मत कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। तो मधुर कहती है, लेकिन आप हैं कौन? तो युवती कहती है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता ना किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम नहीं किया, लेकिन अचानक तो माँ और मधुर एक साथ, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ? तो युवती कहती है, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चला दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तो सहसा पानी का बड़े जोर का रेला आया और वह बह गए। तो माँ चीख कर, हाय राम। तो युवती शीघ्रता से कहती, नहीं नहीं, दूसरों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएंगे। तो मधुर कहती है, वह हैं कहाँ? तो युवती कहती है, बाहर हमारी गाड़ी में है, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। तो युवती कहती है, युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी दो क्षण में इन्हें होश आ जाता है। युवक कहता है, मैं अभी एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, चिंता कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। तो कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें और ये कौन है? तो मधुर कहती है, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। तो अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। तो माँ कहती है, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप कहता है, आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? संदीप उठ जाता है, आंखें खोलकर देख रहा है वो। तो इसके बाद युवक कहता है, अपने घर में हो, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम तुम्हारे साथी हैं। तो संदीप कहता है, ओहो तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वह तुम थे। तो युवती कहती, संदीप बाबू आप बोली नहीं, एक दो दिन आराम कीजिए। इसके बाद संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंसते पड़ते हैं, युवक और युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर ले लो, भय तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। तो युवक, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए, भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, भय भी अंदर चला जाता है। तो माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। तो युवती कहती है, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या? दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। तो ये जो एकांकी थी, ये नाटक था, ये विष्णु प्रभाकर का था, इनके द्वारा लिखित था। विष्णु प्रभाकर, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुरा भी है
गांव में हुआ था, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए, और फिर हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। विष्णु जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज, विधाओं में अनेक रचनाएं की हैं। सीमा रेखा, पुस्तक कीट आदि आपके प्रमुख एकांकी हैं। आवारा मसीहा आपकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इनका निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ।